बहराइच टू खलीलाबाद जो मंजूरी दी गई है रेल लाइन को, इससे हमारे व्यापारी वर्ग को भी फ़ायदा मिलेगा, जो हमारे युवा हैं उनको भी फ़ायदा मिलेगा, जो लोग अभी पिछड़े वर्ग में जो लोग इसका जो मतलब बस के अलावा या इसके अलावा किसी और चीज़ की सुविधा नहीं पा रहे थे उनको भी सुविधा मिलेगी, वो आसानी से जो है खलीलाबाद तक जा सकेंगे। हम लोग युवा हैं, पढ़ाई लिखाई में काफ़ी समस्याएं आती थी, या हमारा जो पिछड़ा वर्ग है वो भी इन सभी सुविधाओं से वंचित था, उसको भी इसकी सुविधा मिलेगी और वो जो है आगे बढ़ेगा। और जो हमारी सरकार है उसका भी यही कहना है कि सबका साथ तो सबका विकास जो है, तो इसको लेके जो है हमारी सरकार भी चल रही है और हम इस लाइन की मंजूरी देके जो है हमें लगता है कहीं ना कहीं विकास में उन्नति होगी और हम सभी को इसका, चाहे युवा हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो, व्यापारी हो, सबको फायदा मिलेगा। और बहुत सारी जितनी प्रॉब्लम्स होती है वो ख़त्म हो जाएगी, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उनको हर चीज़ में डेली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती रहती थी, ट्रांसपोर्ट की दिक्कतें होती थी। सरकार ने जो मंजूरी दी है इससे आप कितना, हम 100% सेटिस्फाइड हैं इस चीज़ को लेके। कितना खुशी आप? खुश तो बहुत है कि मोदी सरकार आ गई, तो खैर अब जो भी होगा आगे बहुत अच्छा ही होगा। अगर रेलवे लाइन डायरेक्ट हो जाती है तो इससे हम लोगों को बहुत फ़ायदा होगा, आने जाने में हम लोग को बहुत दिक्कत होती थी, बहुत चेंज करो इधर चेंज करो उधर, और अगर डायरेक्ट हो जाता है तो बहुत। आप युवा हैं तो पढ़ाई लिखाई हो रही होगी, तो कितना फ़ायदा मिलेगा आपको? जी बहुत फ़ायदा होगा कि हम लोग को समय भी बचेगा और हम लोग टाइम से पहुँच जाएंगे। भारतीय रेल द्वारा तमाम प्रकार के सुविधाएँ रेलवे से मिल जाएंगी व्यापारियों को, और तमाम विद्यार्थी भी अपना इधर से उधर पढ़ने जा सकते हैं, और दवा संबंधित तमाम जानकारी और सुविधाएं मिल सकती हैं, और व्यापारी वर्ग को काफ़ी राहत मिल सकती है। ये जो भी रेल पास हुआ है ये बहुत ही सराहनीय रहा है, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से क्या, आई थिंक मुझे लगता है कि ये कम से कम 10 साल से ये मामला चल रहा था। यहाँ की आम पब्लिक बहराइच जाना हुआ, खलीलाबाद जाना हुआ, तो उसके पास कोई डायरेक्ट रूट नहीं था, डायरेक्ट साधन नहीं था, किसी को अपनी दवा के लिए जाना होता था, किसी को कोई चीज़ के लिए, तो उसके लिए डायरेक्ट कोई साधन नहीं था। तो इसलिए ये सरकार का बहुत ही सराहनीय काम है, और इसमें हमारी राय यह है कि आम पब्लिक भी बहुत खुश होगी और आई थिंक हमें भी बहुत खुशी होगी।